और मेरे सी ए फाउंडेशन के बच्चों कैसा था आज का टास्क मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में टास्क बेस्ड रहता है टाइम लिमिट दिया होता है ना तो पढ़ने में मज़ा आ ही जाता है चलो आपके सोल्यूशन रेडी हैं तो फटाफट डिस्कस कर ले लेट्स सी कि कितने मार्क्स मिले आपको आपके फर्स्ट टास्क में 30 मिनट्स का टाइम दिया था मैंने आपको ये क्वेश्चंस आपके 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए ठीक है सल्यूशन रखो आपके साथ में एक पेन ले आओ और जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे आप अपना पेपर चेक कर लो और फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना सबके कितने मार्क्स आए हैं ओके okay. अच्छा मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ डाले थे कि हाउ टू स्टडी लॉ हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा लॉ में आंसर्स कैसे लिखते हैं थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आंसर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं तो वो वीडियोस बाद में जाके देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आंसर किए जाते हैं क्या फॉर्मेट है टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया आपके जितने भी प्रैक्टिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं उसे आप तीन पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे फर्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखोगे वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है आप केस लॉ का नाम लिखोगे अगर कोई केस लॉ एप्लीकेबल है एंड यू विल राइट द सेक्शन नंबर ठीक है आप सेक्शन नंबर लिखोगे केस लॉ लिखोगे थ्योरी अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो एकदम रिवर्स में गया पहले सेक्शन नंबर आना चाहिए फिर केस लॉ एंड देन थ्योरी बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमको सेक्शन नंबर याद नहीं होता केस लॉ पढ़ा था पर नाम नहीं याद आ रहा है तो इसीलिए मैंने उसको बाद में लिखा है थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट है वो तो लिखनी ही लिखनी है बट केस लॉ याद नहीं है तो कोई बात नहीं सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे इट्स ओके बट ट्राई जरूर करना कि सेक्शन नंबर आप लिखो पढ़ के तो जाना ही है आपको ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन नंबर केस लॉ का नाम एंड द थ्योरी इन द सेकेंड पैराग्राफ यू विल डिस्कस द केस यू विल डिस्कस द केस डिस्कस द क्वेश्चन एंड ऑफर सम सल्यूशन थर्ड पैराग्राफ में आप लिखोगे कंक्लूशन जैसे दस डेर फोर हें वी सो कंक्लूड एक या दो सेंटेंस में फिर आपको कंक्लूड कर देना है ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल राइट इसीलिए मैंने सोल्यूशन को भी ऐसे ही तीन पैराग्राफ्स में आपके लिए डिवाइड किया है तो वी विल गिव द मार्क्स अकॉर्डिंगली नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका जे एक्सेप्ट एन इन्विटेशन टू डिनर बट फेल्स टू अटेंड इमिजिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए अरे डिनर इन्विटेशन है ये तो सोशल एग्रीमेंट है यस yes? ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है लेकिन सिर्फ सोशल एग्रीमेंट तो नहीं लिख सकते ना हम हमारे आंसर में तो हम कंटेंट क्रिएट कैसे करेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ये एक असेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन क्या है चलो मुझे इक्वेशन बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी यस तो एनफोर्सिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स इंटेंशन टू सू इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन if one party defaults other party can take action acha aise kaun se agreements hai jahan par hum to presume karke chalte hain ki bhai enforceability to hai kaun se cases hai business and commercial और ऐसे कौन से agreements हैं जहाँ पर ऐसा कोई presumption नहीं है social and domestic। तो आपके first paragraph में ये सारे points आने चाहिए There must be इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन अगर आपने ये लिखा है तो हाफ मार्क बिजनेस और सोशल में प्रजम्पन है एनफोर्सिबिलिटी है केस कर सकते हो बट देर इज नो प्रजम्पशन इन सोशल और डोमेस्टिक तो अपने आप को हाफ मार्क दे दो अब सुनो ये जो मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रही हूँ वो मेरे हिसाब से है ये इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब नहीं किए ये वीडियो इंस्टीट्यूट ने नहीं बनवाया है ये मेरे हिसाब से आपकी मार्किंग आपको ऐसे मार्क्स देने चाहिए दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ओके दिस इज हाउ आई वुड चेक द पेपर केस लॉ बैल्फर वर्सेस बैल्फर है क्योंकि वो सोशल और डोमेस्टिक से रिलेटेड है इसीलिए अगर आपने ये लिखा है तो हाफ मार्क ओके अब सेकेंड पैराग्राफ में यू विल डिस्कस द क्वेस्ट जैसे जे एक्सेप्टेड एन इन्विटेशन टू डिनर बट ही फेल्स टू अटेंड तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्सेप्टेंस फॉर डिनर इज अ सोशल एग्रीमेंट एट द टाइम पार्टी इज ने इंटेंडेड टू सू हैंस जे कैन नॉट बी सूड अपॉन बिकॉज इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट तो आप केस में कुछ एक्चुअली डिस्कस करने के लिए है नहीं लेकिन आप लिखोगे कि जे एक्सेप्ट द डिनर बट फेल्स टू अटेंड

सोशल एग्रीमेंट लिखा है वर्ड वर्ड अगर लिखा है और पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन अगर ये वर्ड आपने लिखा है तो अपने आप को और हाफ मार्क दे दो क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपके आंसर में सोशल एग्रीमेंट नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ये वर्ड्स आए ठीक है तो डिस्कस द क्वेश्चन ऑफर सल्यूशन इसके लिए वन एंड हाफ मार्क एंड हाफ मार्क इफ यू हैव रिटन द सल्यूशन दैट जे कैन नॉट बी सूड अपॉन तो हो गए ना हमारे फोर मार्क्स टू मार्क्स फर्स्ट पैराग्राफ के हो गए वन एंड अ हाफ और हाफ मार्क टू मार्क्स सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के हो गए ठीक है तो इस तरीके से आप फोर मार्क्स दे दोगे अपने आप को और अगर कुछ पॉइंट नहीं लिखा है तो उतने मार्क्स कट कर लो आप वीडियो पॉज करके अपने आप को मार्क्स दे सकते हो आप सल्यूशन टेस्ट कर सकते हो अपनी अगर आपको इसका मॉडल आंसर चाहिए तो आप वो लिख सकते हो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं यू कैन पॉज द वीडियो राइट द करेक्ट पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेड है वो आपके आंसर पेपर के बाजू में ही लिख लेना क्यों ऐसा क्यों मैं अलग से भी तो भेज सकती हूँ ना ये मॉडल आंसर फिर क्या होता है ना वो पढ़े ही रहते हैं फिर हमें ढूंढना पड़ता है का लेकिन पेपर तो हमारे सामने रहेगा ना हमेशा तो उसी के साइड में जहां पर आपने आंसर लिखा है उसी के साइड में मॉडल आंसर लिख लो ताकि कल को जब आप ये रिवाइज करने बैठो तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगे और उसका क्या करेक्ट सोल्यूशन है वो भी पता लगे ठीक है आई एम नॉट सेंडिंग दिस सोल्यूशन सेपरेटली ऑन माई टेलीग्राम आप लिखो चलो द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट एग्स गेव एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर फॉर सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर टू बी हेल्ड बाय ऑक्शन ऑन नाइन्थ ऑगस्ट एट डेली वाई फ्रॉम मुंबई रीच डेली ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम बट एक्सट कैंसल्ड द ऑप्शन कैन वाई टेक एक्शन ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है फॉर इन्विटेशन टू ऑफर तो ही गेव एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर ये जो एडवर्टीजमेंट है दिस इज नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर ये ऑफर से अलग होता है इट कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर तो इनविटेशन मतलब हम सामने वाली पार्टी को इनवाइट करें अरे भाई चलो सुनो ऑप्शन है आ जाना फिर बिडर्स आते हैं बिडिंग करते हैं वो ऑफर है ऑक्शनर हैमर स्ट्राइक करता है वो एक्सेप्टेंस है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है लेकिन ये केस में हमने आपको ऑक्शन के लिए इनवाइट तो किया पर क्या ऑक्शन हुई क्या बिडर ने ऑफर दिया नहीं क्या एक्सेप्ट हुआ स्ट्राइक ऑफ हैमर हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो केस कर ही नहीं सकते कहे के डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना आप एक्शन ले ही नहीं सकते तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ में थियोरी लिखेंगे ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर को डिस्टिंग्विश करेंगे ऑफर डेफिनेट होता है इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमिजिएटली इट्स अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर इन्विटेशन क्या होता है इट्स ओनली अ सर्क्यूलेशन कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर इट इज एन अटेम्प टू इंड्यूस ऑफर अगर आपने ये थ्योरी सही तरीके से लिखी है तो अपने आप को टू मार्क्स दे दो थोड़ा इधर उधर चलेगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके आंसर में होने चाहिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इनविटेशन टू ऑफर है इनविटेशन के बारे में कुछ लिखना है अच्छा स्टूडेंट्स इफ़ यू वॉन्ट कि मैम ये थ्योरी हमको ईजी लग रही है ये आपके पास कोई नोट्स हैं क्या तो यस yes, मेरी ई बुक अवेलेबल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ पर ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ वो सारे क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड आंसर्स थ्योरी आपको सब वो ई e बुक में मिल जाएगी इन वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स और हर एग्जाम्पल को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पढ़ते एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ जाए ओके सो आई एम लीविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन हैव अ लुक एट इट ओके लेट एस प्रोसीड फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ऑफर और इनविटेशन को डिफाइन कर दिया फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप केस डिस्कस करोगे और वहां पर लिखोगे एडवर्टीजमेंट इज ओनली इनविटेशन टू ऑफर हियर वाई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिड ही डिड नॉट गिव द ऑफर इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट वाई कैनॉट टेक एक्शन तो यहाँ पर अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं केस डिस्कस किया है तो हाफ मार्क दे दो अगर आपने ये लिखा है तो अपने आप को वन मार्क दे दो अगर आपने प्रॉपर कंक्लूजन लिखा है कंक्लूजन में क्या लिखा है कोई ऑफर ही नहीं है कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है क्योंकि बिडिंग हुई ही नहीं हैमर स्ट्राइक हुआ ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं वाई नॉट क्लेम डैमेजेस ये लिखा है तो अपने आप को हाफ मार्क दे दो ठीक है तो टू थ्री एंड फोर मार्क्स लास्ट क्वेश्चन ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ आर टू बी कैरीड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्ट बाय आर आर अलाउज हिम टू डू सो अब कूली आता है चुपचाप लगेज उठा के बाहर निकलने जाता है आप उसको रोकते भी नहीं हो उसके कंडक्ट से पता लग जाता है कि उसने ऑफर दिया है आपने उसे रोका ही नहीं आपके कंडक्ट से पता चल गया कि आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कंडक्ट है वर्ड्स तो यूज ही नहीं यूज ही नहीं किया वॉट इज दिस इट्स एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ा सा ही लिखना है एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करोगे वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इट इज़ इम्प्लाइड इट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी सरकमस्टांसिस ऑफ द केस ये अगर आपने लिखा है तो अपने आपको वन मार्क दे दो अगर आपने इम्प्लाइड एक्सप्लेन uh, किया है तो अपने आपको सॉरी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किया है तो अपने आपको वन मार्क दे दो अगर आपने ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है कि कूली एम्प्लाइड ऑफर है आर अपने एक्शन से साइलेंस से दिखाता है इट्स एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस तो अपने आप को हाफ हाफ मार्क्स दे दो सो हैज टेकन द एडवांटेज ऑफ सर्विसेज ही मस्ट पे फॉर इट तो हो गए ना टू मार्क्स तो इसी तरह से आप अपने आप को मार्क्स देते रहो एंड यू विल कम टू नो कि आपको कितने अच्छे से याद आ रहा है मॉडल आंसर में क्या लिखना चाहिए ठीक है तो ये था आपका फर्स्ट डे का टास्क अभी सुनो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है ना हमारे जर्नी की अभी तो बहुत कुछ बाकी है सेकेंड टास्क क्या है टास्क टू टास्क टू क्या है कल का टास्क ओके डे टू का टास्क क्या है कल शाम सात बजे तक कल शाम सात बजे तक आप यूनिट टू कंसीडरेशन पढ़ के आओगे ओके okay? क्या पढ़ोगे कल कंसीडरेशन कल शाम सात बजे तक आप कंसीडरेशन पढ़ोगे पेपर भेज दूंगी और फिर से हम मिलेंगे रात को दस बजे कंसीडरेशन का टेस्ट चेक करने के लिए सो आई एल सी यू टूमोरो फर्स्ट एट सेवन पी एम ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड देन एट टेन ओ क्लॉक वी विल मीट ऑन योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग जहां पर आप मेरे साथ आपके आंसर्स चेक करोगे सो सी यू टूमोरो